नमस्कार आपण देखुछंती आपणको गां आपणको खबर पिपिली उपनिर्वाचन प्रार्थी चयन नै आरंभ होई जायछि जोरदार चर्चा। पिपिली रे महारथीको परिवार जणको प्रार्थी करबाकु चाहौछंती निर्वाचन मण्डलीर लोके एहा कहिछंती निमापडा विधायक तथा गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। निर्वाचन मण्डली पई स्वर्गत प्रदीप महारथीकर विशेष अवदान थिबारु तांको परिवार सदस्य उपनिर्वाचन रे प्रार्थी होंतु बोली जनमत प्रकाश पाउछि। समीर कहिछंती पिपिली तांको पाख निर्वाचन मंडली से निरंतर लोकों संपर्क में रही लोकों सहित सभा समिति करी लोकों बुझाउछंती जहां परिवेश रही महारथी परिवार सपक्ष में जनमत रही खूब शीघ्र पिपिली उपनिर्वाचन पर तारीख घोषणा हो। पूर्व महारथी पत्नी प्रतिभा उपनिर्वाचन लड़ाक आग्रह प्रकाश करते दलर सुप्रिमो जहां चाहिए से ग्रहण करने चाहते लोकंर आग्रह लोकंर इच्छा जे महारथी परिवार रु किए गोटे प्रार्थी हो पुनर्बार आम महारथी परिवार प्रदीप महारथी पिपिली जो अवदान प्रदीप महारथी नेतृत्व में पिपिलीर जो विकास या निश्चिंत भाव में लोक मन पकाउं प्रदीप महारथी आबसेन्स फिल कर तेनाली महारथी परिवार रु किए गोटे प्रार्थी मानवर मुख्यमंत्री दिंतु ताको लोक भोट देवे एमती गोटे लोक मान भर गोटे आग्रह अच्छे संपर्क दल किसी विचार करनी दल जहाँ निष्पत्ति करेंगे नेता जहाँ निष्पत्ति ने फाइनाली लोक तो ग्रहण करेंगे। ए प्रसंगे विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी कहते बीजेडी क्या प्रार्थी कर दल बुझ किंतु पिपिली रे एथर लोके परिवर्तन चाहते बीजेपी जो प्रार्थी पूर्व निर्वाचन में लड़ी एथर भी लोकप्रियता रही दल प्रार्थी कर कि ना राज्य सभापति से संपर्क में निष्पत्ति ने दल सी निष्पत्ति कर महारथी परिवार देवे कि नदे कौन कर गोटे निद्रा भंग हो कि दिन तले जो गोटे पंचायत जो शब्द नाला बीजेपी रोर शब्द नाला बीजेपी पंचायत जीति कड़ लेटे आरंभ कर जनता दल तेज साधारण लोके बर्तमान सेठे पर चाहते एवं भारतीय जनता पार्टी जी गत विधानसभा प्रार्थी थे सी संभवतः जनप्रियतार पखापाखी अच्छा तेणु तुम टिकट दिजिव कि न दिजिव से राज्य सभापति एवं पार्लियामेंटरी बोर्ड स्थिर कर महेश प्रसाद नंद अधिक सूचना देवाई फोन लाइन अच्छा महेश पिपिली उपनिर्वाचन प्रार्थी चयन नहीं जोरदार चर्चा होती गोटे पटे प्रदीप पाणिग्रह महारथी जो भाव में परिवार सदस्य उपनिर्वाचन प्रार्थी हूं बोली जनमत आसुवा कहते गणशिक्षा मंत्री अंपटे विष्णु सेठी अगर किसी प्रतिक्रिया दौंस लोके पर चाहता कहते ये कौन प्रतिक्रिया आसूसी सब समर सजा समर कसु आरंभ कले कमर कसु आरंभ कले कमर जी कह जेहेतु स्कूल और गणशिक्षा विभाग जो मंत्री रही है समीर रंजन दास प्रतिक्रिया रखते पिपिली निर्वाचन को लेकिन जेहेतु निमापड़ा निर्वाचन मंडली को लगिक निर्वाचन मंडली हूँ निमापड़ा और निमापड़ा निर्वाचन मंडली को लगिक रही पिपिली निर्वाचन मंडली जेहेतु पिपिली निर्वाचन मंडली हूँ पाख निर्वाचन मंडली तेणु से निर्वाचन मंडल लोकों सहित मिशुंट नियमित व्यवधान में बैठक करजाव जहां सूचना दूसरे समीर दास जे पाखापाखि सतैश अठाई बैठक करवाकूबा बेले पाखापाखि पचीस रु अधिक बैठक या भितर कर सारे और से नियमित भाव में कर्मी सहित बैठक कर लोकों सहित मिशुंट लोकों मतामत नौ समय लोकों जेहेतु से मतामत नौ तेणु लोकों कौन रही मतामत व लोकों माइंडसेट कि से संपर्क जो प्रश्न करते कि लोक जेहेतु महारथी बहुत अवदान रही स्वर्गत प्रदीप महारथी बहु अवदान रही पिपिली निर्वाचन मंडली मंडली को लेकिन तेणु लोकों भितर चाहते लोक आग्रही अच्छा जो महारथी पर जहाँ कहे जन को मान महारथी पर जन को प्रार्थी कर तेणु यह लोकं मत जो पिपिली निर्वाचन मंडली जो लोक जो मैंने जहाँ मत बोली समीर रंजन दास यदि देखा जाए जेहेतु पिपिली बीजेपी तरफ जी कह आज रही गत थर जे प्रार्थी रही
आशीष पटनायक गोटे प्रकार दल करने चूड़ान कर संसदीय बोर्ड ही निष्पत्ति नब किए हम पिपिली भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी विरोधी दल उपनेता जी रही विष्णु सेट्टी पर्यवेक्षक भाव प्रताप किशोरी देव जी रही वरिष्ठ बीजेडी नेता पर्यवेक्षक निजुक्त खूब शीघ्र जेहेतु जो उपनिर्वाचन तारीख घोषणा हे पूर्व समस्त राजनैतिक दल रणनीति स्थिर करदियों तारीख घोषणा हवा पर कैंडिडेट को ना को प्रार्थी ना को दल तरफ अणा कि सबू दल जदि कह नहीं पूरा से लगे आप देखिए जे बीजेडी कि भाव में बीजेडी कथा कहु मैंने मंत्री समीर रंजन दास कि जो विधायक पर्यवेक्षक मैंने पूरा रेगुलर से रेगुलर बैठक कर लोकों सहित मिशुं पर्यवेक्षक तरफ मॉनिटर कर कि भाव में लोकों मूड कि अधिक आहरी स्ट्रेंथन संगठन को अधिक आहरी क्रियाशीला नहीं कि बीजेपी पक्ष जदि कह जदि प्रार्थी किए तो बर्तमान चर्चा जारी रही आलोचना जोरदार चलुची किए प्रार्थी एवं किभली पिपिली रे कौन रहिबा आगो को चित्र ताकुनी जोरदार चर्चा होची बहुत बहुत धन्यवाद महेश बर्तमान सूचना भाई प्रथम अष्टम सबु पास चलित वर्ष प्रथम अष्टम जाए पिलांकर ए वर्ष आ क्लास हेबो नाही आ बिना परीक्षा रे समस्त को परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाई पारे एने आलोचना चलीथिबा सूचना देछन्ती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास एतर एप्रिल बदल रे जून रे आरंभ होई पारे नुवा शिक्षा वर्ष प्रचंड खरा ओ कोरोना दृष्टि रु एभली करबा को निष्पत्ति निया जाउची तबे एने खूब शीघ्र स्कूल ओ गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जिवो राज्य 51,000 स्कूल रे प्रथम अष्टम पर्यंत प्राय 45,00,000 पिला पाठ पढ़ु क्लास को आसवर सुजोग एपर्त सृष्टि पारिना मो विचार आउ जी दिन अच्छी जेहेतु पुनर्बार भारत वर्ष विभिन्न राज्य कथाटा आसिले पुणी आज क्लास को 1-8 पाने के आसी पारे से संपर्क में संभावना जेहेतु क्षीण तेणु विगत वर्ष भर्ष कौन कर से संपर्क में विचार विमर्श चली जेहेतु विगत वर्ष समस्त को पास करा जाइला चलित वर्ष पाने क्लास को आसी नहांती परीक्षा करवा आम द्वारा संभव नुह तार सुजोग जेहेतु ना तेणु ये संपर्क में विचार विमर्श चलती तेणु भावुनि मे मस शिक्षा वर्ष आरंभ कर जो प्रकार चाहिए थी तेणु आमर जो सेसन जो भाव में जून रु आम सेसन आरंभ हुए तो से ही निष्पत्ति तो बर्तमान सुधा कायम अच्छी आउ ए संपर्क में पुनर्विचार संपर्क में किसी करा ना तेज जो भाव में बर्तमान आम कही रखु आपण को बर्तमान कंकाल गाड़ी भितर उधार कर एबे गाड़ी भितर मिलिथिबा कंकालर शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसी जाळाफांडी परिसर थिला गाड़ी गाड़ी को जबत करिथिला पुलिस 2019 गाड़ी को पुलिस जबत करिथिला गंजे चोरा चलाण अभियोग रे जबत होइथिला गाड़ी फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह रे गाड़ी भितर महिला कंकाल जबत होइथिला महिंद्रा एसयूवी गाड़ी जबत होइथिबा कंकाल संपर्कित शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसी ए संपर्क रे सूचना देछन्ती भुवनेश्वर डीसीपी जहां जमापड़ महिला बयस 45 वर्ष देह में कौन आघात ना परिचय मिली पारी ना ए संपर्क में विभिन्न थाना को खबर दिया जाइथिबा डीसीपी कहिछन्ति फेब्रुआरी मासरे से गाड़ीटा जो रिलीज करने को आसते ना चाहूल देखले भितर गोटे स्केलेटन अच्छी आम सांगे सांगे साइंटिफिक टीम डक एग्जामिन कर एम्स को आम पठेल जहाँ एम्स रिपोर्ट उल्लेख कर कौन सी बुला बुला बुलूवा लोक 45 इयर्स पखापाखि हम एवं ट्यूबरकुलोसिस नेचुरल मोस्ट प्रोबली नेचुरल कॉज नेचुरल डेथ होती से गाड़ी भितर रही आम परिचय पाइबा चेष्टा कर
काल हेला कुआखाई भुवनेश्वर कुआखाई नदी में बुड़ी परे उद्धार होइथिबा नाबालकों मृत्यु आज सका नाबालक जनक नदी को गाधोइबा को जाई निखोज हो जाइथिले। अग्निशम विभाग कर्मचारी गुरुतर अवस्था उद्धार कर कैपिटल हस्पिटाल भर्ती करते सेठे डाक्तर मृत घोषणा कर नाबालक लक्ष्मीसगर श्रीधर पृष्टि 10 वर्ष पुओ महेश्वर से निज अन्य तीन सांगक कुआखाई नदी में गाधोइबा को जाइथिले। चोराबाली रे गोड़ खसी जिबारु महेश्वर बुड़ी निखोज हो जाइथिले। अन्य तीन जन कूल को पलाई आसीथिले किंतु महेश्वरंकर पत्ता मिली नथिला। यो चार जन पिला प्राय आमे जा खबर पाउछु लक्ष्मीसगर रो पिला चार जन से आसिकरि एपटे गाधोउथिला समय रे जनक माने एपटे कोन बाली जो खोलुछन्ति प्राय 30 फुट 35 फुट गभीर होइ अछि तेणु गोटा गोटा जगह बाली खोली दूसरी तेणु पिला सेपटे जो चल चल जाऊते भितर जड़े खसी जाइए आउ तीन जन बस कंदाकटा करते तेणु आम तुरंत आसिकी आम बहुत परिश्रम कर शेष प्राय घंटे घंटे पर पाटा को पाइल अवस्था कौन सा तो 2 घंटा होगा तो हस्पिटाल पठाई 6 नंबर में आम गाड़ी नहीं हस्पिटाल तो आम समस्त अक्लांत परिश्रम कर प्राय घंटाटे परिश्रम कल आम सेक्रेटरी फायर स्टेशन आम दिल्ली बाबू आसी अंडर वाटर बीसेट पिंधि पीटे उधार कैसे गभर पाँच प्राय 30 फुट 25-30 फुट प्राय पाँच था पुणि अचल हेला गृह शासक और विरोधी हट्टगोल जो विधानसभा अचल हो मंत्री माने गृहर मध्यभाग को आसी हट्टगोल कर भूल मागंतु बोली दावी करिछि कांग्रेस जेपर्यंत मंत्री माने भूल मागिनाथि से पर्यंत गृह को चलाई दियाजिबो नाही बोली कहिछन्ति कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति 11:30 पर गृह चली न पारिबारु बाचस्पति अपराह 4 जाए मुलतवी घोषणा करिछन्ति। आज प्रश्नकाल आरंभ हेबा मात्रे गृह रे हो हल्ला होइथिला बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही आत्महत्या उद्यम को नहीं हट्टगोल करते शासक दल विधायक शासक दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक गृह में बीजेपी विधायकों आत्महत्या उद्यम प्रसंग उठाते एमती कर सुभाष गृहर मर्यादा हानि करते तुरंत क्षमा मांगतु शासक दल सभ्य मैंने प्रमीला को समर्थन कर निज निज सीट छिड़ा हो प्रबल पार्टी तुंड करते गृहर मध्यभाग को आसी हुहाला करते एपटे मंडी अव्यवस्था को नहीं विधानसभा हंगामा कर विरोधी मध्यभाग बाचस्पति पोडियम आगक आसी बीजेपी और कांग्रेस विधायक नाराबाजी करते अचलावस्था देखादेवर बाध्य बाचस्पति दिन 11:30 पर अपराह 4 जाए गृह को मुलतवी कर चाषी मानकर धान न उठला पर्यंत विधानसभा चलई देबू नाही चाषी मानक धान उठिबो विधानसभा चलिबो आलोचना माध्यम रे समाधान हो पारिथांता किंतु विजु जनता दल मंत्री माने जेपरी भाव रे वेल को जाई आक्रमण करबा उद्देश्य रे जो बेल को जाईतिले ये एक दुर्भाग्यजनक कथा एटा भारतीय जनता पार्टी रो दलीय प्रयोजना रे बा ताका दलीय राजनीतिक स्ट्राटेजी रे एटा करा जाईची ना एटा सुयुक्त पाणिग्राही व्यक्तिगत उद्यम व्यक्तिगत मतर से कथा करछन्ती एटा भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दिया कथा एक द्वितीय आम दाबी रहउछि बाचस्पति पाखे एभली निंदनीय घटना जो से करिछन्ती जा द्वारा गृहर मर्यादा क्षीण होइछि जोटा कि इतिहास नजर रखे ना से भली कांड से क्षमा प्रार्थना विधानसभा छिड़ाई करूँ दुखर विषय आज जो भली भाव बीजेडी दल विधायक माने सरकारी दल विधायक एवं मंत्री माने वेल को आसिकरी ये ये धान चाषी कथा को विरोध कले आम तुम निंदा करुचु एवं जो जो मंत्री वेल को जाई से माने नैतिकता आधार रे रिजाइन कर देवा दरकार प्रकृत परंपरा भंग कला बीजेपी ना परंपरा भंग कला निजे बीजेडी सरकारी दल विजु जनता दल तांकर विधायक मंत्री माने से माने जदि वेल को आसिबे एवं से माने जदि मिथ्या आरोप करी करी गृह को अचल करिबे ताले सेतिर किए दायी हबो किए विधानसभा रे आज माने विरोधाचरण कला समय को ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर गार्ड एनएसजी रो टीम एई टीम मार्च 16 रे लिंगराज मंदिर रे करिबे मॉक ड्रिल 5 जनिया एनएसजी टीम रे अछन्ति 2 वरिष्ठ अधिकारी मॉक ड्रिल पूर्वरु कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईछि एही टीम 18 तारीख रे पुरी जिबो सेठारे श्रीमंदिर रो सुरक्षा व्यवस्था जांच करिबो
दीपक समल अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा करेस्पंडेट दीपक एनएसजी टीम पांच जनिया टीम बर्तमान पहुंची लिंगराज मंदिर में मकड्रिल करेंगे जदि टीम रहा कह क्यों कारण जो आसी कौन रही लक्ष्य नहीं देखो प्रत वर्ष एनएसजी टीम सुरक्षा को जांच करे तेणु चलित वर्ष आसंता 16 तारीख भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर में मकड्रिल कर एनएसजी विशेषकर एक रुटीन थाए जे प्रति वर्ष विभिन्न संवेदनशील स्थान मानक एनएसजी तार मकड्रिल कर विशेषकर जदि कौन मुहूर्त कि समय आतंकवादी किसी टार्गेट थाए कि किसी प्रवेश थाए तेणु किभली मुकबिला कर पूर्व एनएसजी एभली एक मकड्रिल करे तेणु 16 तारीख में एनएसजी पांच जन टीम भुवनेश्वर आसव प्रथम लिंगराज मंदिर से मकड्रिल करे परवर्त मुहूर्त 18 तारीख में श्रीमंदिर से मकड्रिल करे एवं जो पांच जन टीम आसवे से दुई जन वरिष्ठ अधिकारी सामिल अच्छा पूर्व एभली नजर रही जितेबाला किसी आशंका कराए से समय एनएसजी टीम भुवनेश्वर आसे और भुवनेश्वर आसा पर जमीक प्रथम लिंगराज मंदिर में तार मकड्रिल करवर्त मुहूर्त श्रीमंदिर में मकड्रिल कर एनएसजी तेज जहां सूचना देते दीपक समल एनएसजी पांच जनिया टीम भुवनेश्वर में पहुंची से वर्तमान लिंगराज मंदिर में मकड्रिल करे जहां सूचना अच्छी दुई वरिष्ठ अधिकारी अच्छा एनएसजी टीम तेज सहित से पुरी जी 18 तारीख में सेठे श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था जांच करेंगे तेज प्रत वर्ष भली एनएसजी टीम पहुंची ओडिशा बड़ बड़ मंदिर ऐतिहासिक मंदिर सब सुरक्षा व्यवस्था को तदारख करने जांच करने दुई दिन धरी केन्द्रीय टीम सिमिलीपाल जंगल निआर स्थिति अनुध्यान कर फेरी तीनजनिया टीम गुरुवार सिमिलीपाल पहुंची आसिकी प्रथम ठाकुरमुंडा करंजिया रेंज अंचल परिदर्शन कर जशीपुर सिमिलीपाल गेट दे प्रवेश करते कोर अंचल उपर बारहा कामुड़ा रेंज जेनाबिल रेंज को जा स्थित अनुध्यान कर गुड़गुड़िया जंगल विभाग अतिथि भवन रही स्थानीय लोकों शुक्रवार दिन ईडीसी वन सुरक्षा समिति सिमिलीपाल दक्षिण जोन में कोर अंचल देवस्थल को जा पशुपक्षी समेत लोकों कौन हानि घटी जमापड़ वन विभाग स्थानीय अधिवासी भितर समन्वय रक्षा करने प्रत्येक अंचल लोकों संपर्क को बढ़ावा निर्देश देते केन्द्रीय टीम शुक्रवार बारीपदार पहुंचा पर सिमिलीपाल साउथ्र उपनिर्देशक जगेन्द्रदत्त समेत वनखंड अधिकारी करंजिया वनखंड अधिकारी आलोचना करते केन्द्रीय टीम कौन एने प्रतिक्रिया मिलपारिना तेज दुई दिन धरी बन रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देवा प्रकृत तथ्य जमापड़ जंगल में निआ लगाई चारि गिरफ बौद्ध में जंगल में निआ लगे बेले चारि जन को गिरफ कर पुलिस एमाने पुरुणा कटक रेंज छतरंग बीट अंचल निआ लगाउथिले कटक रेंज ऑफिस रे चारि अभियुक्त को पचरा उचरा करा जाउछि अभियुक्त हरभंगा ब्लॉक धुंगिया मुंडा अंचल राजधानी धरा पड़े निशादिया लुटेरा गैंग भुवनेश्वर भरतपुर में निशादिया लुटेरा गैंग को गिरफ कर एमानक भितर तीनि जण लुटेरा जणे औषध दोकानी दुई सुना ग्राहक अछन्ति 40 ग्राम सुना बाइक जबत करिछि स्वतंत्र स्क्वाड माने कमिश्नरेट अंचल रे दुई टी लूट घटना रे मध्य पूर्वरु संप्रुक्ति थिबा अभिजोग होइछि एई अपराध गटैबारे सबुठु जो बड जिंस थिला निसा औषध कैना से जो ड्रगिंग पई जो निसा औषध व्यवहार करा जाउथिला ताकर प्रोक्योरमेंट आल्सो वाज इंपोर्टेंट तेनु किछि मेडिसिन व्यापारी यही निशा औषध को फ्रीली अपराधी को दौले आम से जन को गिरफ्त करूँ जो लुट कर लुट सामान को जहाँ को देते रिसीवर से भाया दुईज को गिरफ्त कर मोट छः जन आक्यूज पर्सन गिरफ्त होती जो थे तीन जन मुख्य आसामी जो मैंने ए प्रकार अपराध घटाऊ आम तीन टा गोल्ड चेन प्राय 40 ग्राम ओजन सुना चेन 18 स्ट्रिप गोटे पर्टिकुलर निशा औषध जहाँ ना है आटीभान 2 MG गोटे बाइक एवं 6 मोबाइल फोन जबत करी पर्टिकुलरली जो मैंने भुवनेश्वर आसी नुआ पहुँचुंट रेल स्टेशन बस स्टाण्रे विशेषकर एयरपोर्ट हुए नी
ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବେ ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଏଭଳିଆ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତାବନୀ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଯାହାର ବିକ୍ରି ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସେଭଳିଆ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ସହ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେବ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଚଷାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପଲିସଭାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ତିନି ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏହା। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଝିଅର ଏକୋଇଶିଆ ବୋଲି, କ'ଣ କାରଣ ଜାଣିନି ମୋତେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଆସିକି କହିଲା କ'ଣ ମୋ ଭାଇକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ ସେଇଦିନ ତୋର ଇଏ ଯାଇରେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ କିଛି ବିରୋଧ ଜିନିଷ କଲି, ମୁଁ ତ ପଇସା ଅନ୍ଧାର ପଶୁନି। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେତିକିଦିନରୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ମନେ ମନେ ଥିଲା ବହୁତ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ନେତା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିପଦରେ ରହିଛି। ଦେଶର ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଚାଲିଛି। ସରକାର ମନମୁଟିଆ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସିହ୍ନା ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ଅର୍ଥ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମେଜର ଡାକ୍ତର ଫାଗୁରାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଗାଁ ମାଟିରେ ଫାଗୁରାମଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଆସାମରେ ଫାଗୁରାମଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ମରଶରୀରକୁ ସେନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯିବା ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସାନ ପାଖଳା ଗାଁକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଜର ଫାଗୁରାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଗାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ପରେ ଆସାମର ରଙ୍ଗିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତି ମେଜରଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ନେସ୍ ଏମିନେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ନେସ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର।